अरविंद भाई कि वहाँ खंडाला में क्या हुआ। हम यहाँ से खंडाला जाने के लिए निकले तो यहाँ नहीं मीनाक्षी, वहाँ स्विमिंग पूल में क्या हुआ। हाँ पर जब कहानी यहाँ से वहाँ पहुँचेगी तभी बता पाऊंगी ना कि वहाँ क्या हुआ। तो जब हम यहाँ से खंडाला जाने के लिए निकले तो मीनाक्षी तो, मैं बता दूंगा, तुम मानव और गट्टू को नाश्ता करवाओ, जाओ। जो आ गया। मानव गट्टू भाई, सो क्या? कुछ नहीं। कैसा रहा वहां का मौसम? अच्छा था। यहाँ का बिगड़ा हुआ था मौसम। वो क्या है कि बा ने डांट दिया ना मोटा भाई को, तो नहीं तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बाकी क्या? खंडाला तू गया था, तू बता। क्या बताऊं? तू हंसता क्यों है मेहुल? अरे अदा, मैं इसे सिर पर रख के थाप दे रहा था, ये टूट गई। तो इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं, उल्टा तूने एक पतंग वेस्ट कर दी। किसी को पतंग की कदर ही नहीं है। मैं किसी को पतंग नहीं दूंगा। मुझको भी नहीं। किसी को नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। मेहुल देख, अभी तेरी वजह से मुझको भी नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ इधर आओ। अदा भी कमाल है, एक पतंग क्या टूट गई, इसमें इतना बुरा मान गया। इन्हें पतंग का नहीं, किसी और बात का बुरा लगा है। देखा, अभी तक तो उन्होंने हाँ भी नहीं किया। मनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे मनाने का? इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी मेहुल। मोटा भाई, मैंने बोल दिया मेहुल को सॉरी। अब थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? रह सकता हूँ, ये देख। मेहुल जा, तू सॉरी बोल। हाँ मैं जाता हूँ। जल्दी जा। अदा सॉरी। हाँ पतंग नहीं मिलेगी तुझे। प्लीज सॉरी। मेहुल, अंग्रेजी व्याकरण में प्लीज और सॉरी एक साथ नहीं होता। तेरी ग्रामर बहुत खराब है। अदा मैं सॉरी तो बोल रहा हूं ना। सॉरी से कुछ नहीं होता। अगर मैं सॉरी कहूं तो? देखो ना, अगर मैं तुझे सॉरी कहूं तो तू इन्हें पतंग देगा ना? गट्टू बोल सबको पतंग ले ले। ले ले जा, चल चलो 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 सब लोग। एक मिनट, जब तक अरविंद मुझे माफ नहीं कर देता पतंग को कोई हाथ नहीं लगाएगा। भाई ये क्या कह रही हैं आप, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। भाई चलो ले लो सब पतंग। क्या क्या? गट्टू काका चुप। दादी माँ, आपने अदा को नाराज किया ना? हाँ, आपने कहा था ना इन सबको हाँ करने के लिए। अब पतंग ले सकते हो। चलो, 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 चलो। आराम से, फटे नहीं पतंग, फटनी नहीं चाहिए, आराम से लेना सब।
क्या अरविंद, इतना बड़ा हो गया अभी भी डांटती हूँ तो बच्चे की तरह रूट जाता है। चल अब ये चाय पी ले और नान खटाई खा ले। एक मिनट। मोटा भाई अब पतंग लाए लेकिन मांजा तो लाए ही नहीं, तो मांजा किधर है? ये क्या गफूर भाई, इससे अच्छा तो वो धागा है जिसे मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। वो हमें दे दीजिए ना। ओ मजाक करने हम फुर्सत से आएंगे, अभी आप मुझे अच्छा पक्का सूरती मांजा दीजिए। नहीं मीनाक्षी, हम सिर्फ मांजा ले रहे हैं, पतंग तो मोटा भाई ले आए हैं ना। नहीं नहीं, मुझे बड़ी और मजबूत पतंग चाहिए, स्पेशल पतंग। स्पेशल? एक मिनट, मैं प्रवीणा भाभी को देती हूँ। भाभी मीनाक्षी उसकी कोई फरमाइश है। हाँ मीनाक्षी। हाँ भाभी। ये मोबाइल है, रेडियो नहीं है जिसपे तू फरमाइशी गाने सुनना चाहती है। नहीं नहीं भाभी, मुझे गाना नहीं सुनना, मुझे एक बड़ी पतंग चाहिए जिसमें मैं खील मार के हुक लगा सकूं। ओ तू तो पतंग पे कपड़े सुखाने वाली है। आजकल आंगन में कपड़े ठीक से सूखते नहीं है ना, तो पतंग के साथ कपड़े भी हवा में सुखा दूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पतंग दूसरे काम के लिए चाहिए। हाँ लेकिन काम क्या है? वो आप घर पर आइए फिर मैं बताती हूँ। ओके। लेकिन मेरे लिए एक बड़ी पतंग लेके आना। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कमाल है ये। गफूर भाई आपके पास कोई बड़ी पतंग है जिसमें हुक लगा सके? हुक 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 हुक। हाँ हुक। डिस्काउंट तो आपको देना ही पड़ेगा और वो भी 25% में। बोल देती हूँ पहले से। भाभी कैसे ले जाएंगे इस पतंग को, रिक्शा में हवा से फट जाएगी ये। अच्छा तो तू पतंग के साथ उड़ के पहुँच, मैं रिक्शा में आती हूँ। कफूर भाई डिस्काउंट। अरे शिल्पा प्रवीणा मयूरी बहन कैसी है आप? अरे दिख तो वैसी ही रही है, ये पूछो कहाँ है आप, 2-2.5 साल से नजर ही नहीं आई। हाँ हम लोग अंधेरी शिफ्ट हो गए। ओके बाकी चीकू कैसा है? आप तो आपकी बहू उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है ना। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहुओं का बर्ताव कैसा है चीकू के साथ। क्यों? चीकू मर रहा है। चीकू? हाँ 1.5 साल से बीमार है और दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। क्या क्या हुआ है उसे? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बस इतना पता है सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है इंतजार करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। नो इट्स ओके। मैं खुश हूँ, आखिरकार मेरे चीकू की तकलीफों का अंत होगा। मयूरी बेन, इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद आप संभली हुई हैं। ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा है। सौमिल के वक्त आपको टीवी पर देखकर मैं अपने आप को हिम्मत देती थी। कैसा है सौमिल? अच्छा है, अब तो भागने दौड़ने भी लगा है। अच्छा है, तुम्हारे परिवार पर भगवान के 4 हाथ हैं, और क्यों ना हो, तुम सब हो इस लायक। तुम सब ने मिलकर प्रार्थना की तो भगवान को चमत्कार करना ही पड़ा। मैं चमत्कार की आशा तो नहीं रखती, हाँ इतना जरूर चाहती हूँ कि जब तक चीकू है मैं उसकी जिंदगी का हर एक पल खुशियों से भर दूँ।